24 न्यूज इन इंडिया के लिए काकोरी से संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार मलिहाबाद तहसील प्रांगण में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। आयोजन का मकसद बढ़ती महंगाई, बेलगाम सरकार आदि मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने प्रदर्शन में पूर्व विधायक सरोजनी नगर इरशाद खान, पूर्व विधायक प्रत्याशी मलिहाबाद राजबाला रावत ने धरना आप लोगों ने रखा, इनका उद्देश्य क्या आपके धरने का? आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज हम लोग मलिहाबाद के तहसील प्रांगण में शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, किचन की रसोई के सामान सारे महंगे हुए जा रहे हैं, प्याज महंगा हुआ जा रहा है, टमाटर महंगा हुआ जा रहा है, हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। आज हम अपनी माताओं बहनों के लिए और अपने क्षेत्र के देश प्रदेश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर इस धरने के माध्यम से आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आगे आपका क्या हुआ है? आगे इसी तरीके से हम समाजवादी हैं, हम संघर्षों के आती हैं, हम लोग हमेशा